अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, और इससे आपको डेली बेसिस पर स्पोर्ट्स के हवाले से अपडेट्स मिलती रहेगी। और इस चैनल के भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियोस के बारे में अपनी राय का इजहार करें। फास्ट बॉलर बॉलर जोफ्रा आर्चर प्रोटोकॉल तोड़ने पर स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। लंदन इंग्लिश क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर को प्रोटोकॉल तोड़ने पर स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर बायोस्क्योर हिसार तोड़ने पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जोफ्रा आर्चर को 5 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। आइसोलेशन की मुद्दत के बाद उनको मनफी टेस्ट आने पर स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। जोफ्रा आर्चर ने खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए बनाए बायोस्कोर रूल्स की खिलाफ वर्जी पर माजरत करते हुए कहा कि उनकी गलती की वजह से तमाम खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ मुश्किल में पड़ गए। फास्ट बॉलर का कहना था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ना खेलने पर अफसोस है। आर्चर ने दोबारा ऐसी गलती ना करने की यकीन दहानी भी करवाई। याद रहे कि वेस्ट इंडीज ने कोरोना वायरस के बायस 4 माह के तौतल में के बाद होने वाले पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की है। Thanks for watching.